नमस्कार दोस्तों, शिवा डीजे हाउस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको स्पीकॉन के बारे में बताएंगे। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि सर हमको स्पीकॉन का कनेक्शन का पता नहीं है, स्पीकॉन कैसे काम करता है, क्या होता है। तो दिखने में ये सेम से ही होते हैं, लेकिन इनमें दो तरह के पिन आते हैं। एक होता है स्पीकॉन, दूसरा होता है पावर कॉन। अब इनमें बाहर से देखने पर एक जैसे लगते हैं दोनों, तो मैं इनको आपको दिखाता हूँ इसमें थोड़ा सा क्या फ़र्क आता है। बाहर से देखने में देखो, इस पे ये जो दो टाइप के कट कट बने हुए हैं, ये निशान बने हुए हैं, इनमें थोड़ा फ़र्क आता है बाहर से देखने में। और स्पीकॉन में ये जो होता है, एक बड़ा एक छोटा ऐसा कट होता है। अब आपको हम बताते हैं कि स्पीकॉन जो है वो स्पीकर में काम आता है, और पावर कॉन जो होता है ये मोस्टली शार्पी लाइट या जो भी पावर से रिलेटेड, बिजली से रिलेटेड जो सॉकेट होता है उसमें ये पावर कॉन काम आता है, और स्पीकर चलाने के लिए ये स्पीकॉन काम आता है। तीसरा एक सॉकेट होता है, ये कनेक्टर के यूज में आता है इस टाइप का। ये स्पीकर का केबल स्पीकॉन लगा हुआ हो, जब छोटा रहता है तो उसको लेंथ बढ़ाने के लिए ये कनेक्टर बीच में यूज करके स्पीकर का केबल बढ़ा सकते हैं। ये स्पीकॉन कनेक्टर के रूप में बोला जाता है। अब मोस्टली कस्टमर के क्वेश्चन होते हैं कि सर स्पीकॉन का कनेक्शन कैसे होगा, हमको पता नहीं है। तो स्पीकॉन में क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे अंदर जो है चार पिन आते हैं, +1, -1, +2, -2। अब जितने भी अपने एम्पलीफायर है उनमें भी जो दो सॉकेट आते हैं, और या सॉकेट नहीं होगा तो स्पीकॉन का सॉकेट आएगा, उसमें रेड जो सॉकेट होता है, रेड कलर का पॉजिटिव, वो +1 होता है, और जो माइनस कलर ब्लैक कलर का जो सॉकेट होता है वो -1 होता है, ऐसे होता है। तो स्पीकॉन में अपन इसी हिसाब से वायर कनेक्ट करते हैं कि +1 में रेड वायर कनेक्ट करेंगे और -1 में ब्लैक वायर कनेक्ट करेंगे। और जो +2 होता है वो काम नहीं आता है दोस्तों, उसको खाली छोड़ना पड़ता है। +2, -2 दोनों जो होता है वो कोई काम में नहीं आता है स्पीकॉन में अपने यहाँ पे, इसको खाली रखना पड़ता है। दूसरा होता है पावर कॉन। पावर कॉन में क्या होता है, लाइव, न्यूट्रल और ग्राउंड करके इसे तीन वो पिन आती है अंदर, चार भी आ जाती है। तो लाइव तो इलेक्ट्रिक के लिए, जो बिजली में अपन अब सब लोग सब जानते ही हैं कि लाइव न्यूट्रल होता है, अर्थ फेस बोलते हैं हिंदी में, तो ग्राउंड हो गया, अर्थिंग हो गया, तो उसमें लाइव न्यूट्रल ऐसे लिखा हुआ होता है। तो जो ये वाला जो पावर कॉन का स्पीकॉन होता है, इसमें लाइव न्यूट्रल लिखा हुआ होता है अंदर। अभी मैं इनको खोल के चेक कराता हूँ आपको अंदर से कि कैसे क्या लिखा हुआ होता है। तो एक बार क्लियर कर लो कि स्पीकॉन में चार सॉकेट होगा, +1, -1, +2, -2। +1 और -1 में ही स्पीकर के तार का कनेक्शन होता है, +2 खाली रहता है। ऐसे इसमें पावर कॉन में लाइव न्यूट्रल ग्राउंड, लाइव न्यूट्रल मतलब जो एसी सप्लाई आता है अपना, उसमें लाइव और न्यूट्रल होता है। तो जो दो मेन वायर होते हैं वो लाइव न्यूट्रल के होंगे, और एक जो होगा अर्थिंग का हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको हमने आपकी सुविधा के लिए एक बार पिन को ओपन कर दिया है। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये पावर कॉन है, और इसमें अंदर तीन पिन लगा हुआ है। अब तीन पिन मैंने बताया था, या तो तीन आता है या चार आता है पावर कॉन में। तो इस पे जो लाइव होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक ग्राउंड होता है। अब इस पे मैं पॉइंट है ना थोड़ा बारीक लिखा हुआ है, तो मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ एक बार आपको। ये एन लिखा हुआ आ रहा है, एन मतलब न्यूट्रल हो गया, ये एल, एल मतलब लाइव हो गया, और ऐसे ही स्पिन पे जी लिखा हुआ है ग्राउंड। ये थोड़ा बारीक लिखा हुआ है दोस्तों, तो अपन को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इसलिए एल मतलब लाइव, एन मतलब न्यूट्रल, ये एन न्यूट्रल और ये ग्राउंड, तो इनके तीन तार ऐसे कनेक्ट करने पड़ेंगे, लाइव न्यूट्रल ग्राउंड। ये पावर कॉन का हो गया। ऐसे ही ये जो दूसरा सॉकेट आपने खोला है, ये स्पीकॉन, इस पे भी आपको मैं दिखाता हूं।
ये प्लस वन आप देख पा रहे हैं, प्लस वन, तो ये रेड कलर के लिए, रेड कलर का जो वायर होता है उसके लिए हो गया। इसके जस्ट पास में ही आता है दोस्तों माइनस वन, ये प्लस टू आ गया। ऐसे सभी पे मार्किंग आएगी, प्लस टू पे खाली रहेगा, प्लस वन और माइनस, ये माइनस वन और प्लस वन का ही पिन यूज होता है, और प्लस टू माइनस टू खाली रहता है। ये देख पा रहे हैं, ये प्लस वन हो गया, माइनस वन इसके पास वाला सॉकेट होता है, इस पर लिखा होता है माइनस वन। इस पर नीचे आ रहा है, कैमरे से देख नहीं पा रहे आप। अब इसमें जैसे ये एक पिन मैंने और खोल के रखा है, जैसे ये जो रेड वायर है इस पिकोन में, ये प्लस का वायर हो गया, ये माइनस का वायर हो गया, तो इनको हम इस तरह कनेक्ट करेंगे। ये जो रेड पिन, ये जो कनेक्ट किया हुआ है रेड वायर, ये प्लस वन पे लगेगा, और जो ब्लैक वायर है वो माइनस वन पे लगेगा। दो नंबर इसका दोनों खाली छोड़ा हुआ है, दो नंबर का प्लस, दो नंबर का माइनस खाली रखा हुआ है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था इस बीकॉन के लिए। बहुत से लोगों को मुश्किल होता है कि इस कनेक्शन कैसे होगा, क्या होगा, तो कंफ्यूज में गलत वायर कनेक्ट करते हैं, आवाज़ नहीं आता, या एम्पलीफायर में दिक्कत होती है, स्पीकर चल नहीं पाता। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो परेशानी नहीं आएगी दोस्तों। इसलिए आज के वीडियो में मैंने एक छोटा सा ये बनाया है कि इससे लोगों को ध्यान रहे कि कनेक्शन कैसे होगा, क्या होगा, कैसे इसपी कौन कौन सा होता है, पावर कौन क्या होता है, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। और शिवा डीजे हाउस पे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, नए नए वीडियो हम आपको जानकारी के देते रहेंगे।